हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और मेथी की सब्जी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है फ्रेश मेथी का साग। तो आप लोग देख सकते हैं, इसकी छोटे छोटे हमें पीसेस करके और इसकी डंडी जो होती है उसको हम लोग साइड कर देंगे। इसके बाद हम इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे। जब ये गरम हो जाएंगी, इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू को पीसेस करके अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आलू फ्राई हो चुकी है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें जीरा का फोरन डालेंगे और इसके बाद कटी हुई प्याज डाल के इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसका कलर लाइटली ब्राउन कलर ही रहना चाहिए। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले को ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट, स्वादानुसार नमक, 1/2 स्पून हल्दी, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसमें कटी हुई टमाटर डाल के इसे अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी मसाले लगभग फ्राई हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू भी ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें मेथी का साग भी अब ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ी देर के लिए गैस पर ही छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी आलू और मेथी की सब्जी बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग भी इसे घर में बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।